नमस्कार दोस्तों, उषा किचन फूड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पालक पराठा बनाने जा रहे हैं। थोड़ा हटके जानते हैं, आजकल विंटर का मौसम है तो सभी के घरों में सब्जियां अवेलेबल रहती हैं, सभी तो बनाते खाते हैं सभी लोग, पर थोड़ा हटके बनाएं तो उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है और मन भी भर जाता है। तो इसके लिए देखिए, हमने पालक लिए हैं, अच्छे से वाश कर लिए हैं, और देखिए सोया है, ये सब हरी सब्जियां हैं, पत्ते वाली, लहसुन है, प्याज की पत्तियां हैं, और हरा मिर्च है, मटर है, अदरक है। इसको हम बारीक काट लेंगे और इसको हम कैसे मिक्स करेंगे बताएंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब आप देख सकते हैं, देखिए हम पालक और सोया को काट कर तैयार कर लिए हैं, रेडी हो चुकी है। और ये भी देखिए हम सब्जियां कट कर लिए हैं, धनिया, लहसुन, प्याज और ये लाल मिर्च है, इसको हम लंबा लंबा कट कर लिए हैं, और ये अदरक है। और देखिए मटर है, इसको हम बारीक थोड़ा सा दरदरा कर दिए हैं। अब इसे हम ऐड करेंगे दोस्तों। देखिए एक बाउल आटा है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए हमारा आटा हो गया, अब इसमें ऐड करेंगे हमें कटा हुआ लहसुन, फिर इसके बाद प्याज, और ये हमारा अदरक हो गया, हरी धनिया, और ये देखिए मटर है। इसको हम दरदरा इसलिए कर दिए हैं कि ये अच्छे से पक सके। अब इसमें हम ऐड करेंगे, देखिए छोटा बाउल है, बेसन है, चना का आटा है, इसको हम ऐड करेंगे, इसे स्वाद और थोड़ा बढ़ जाएगा। अब देखिए क्रश किया हुआ अजवाइन है, इसे हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है और सर्दी में भी बहुत कारगर है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। और एक पिंच हमारा हींग है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अब देखिए थोड़ा सा हमारा हल्दी है, और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ये हमारा मिर्चा है, इसको मैं दोस्तों अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको आटा को हम तैयार कर लेंगे। लाल मिर्च दोस्तों इतना बड़ा बड़ा हम इसलिए डाले हैं कि देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको नहीं पसंद है तो खाते समय इसको निकाल भी सकते हैं अगर आप बनाएंगे तो। देखिए दोस्तों हम आटा गूंथ लिए हैं, इसको हम 10 से 15 मिनट तक रख दिए थे ढककर। ये देखिए हमारा आटा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम चलेंगे चूल्हे की तरफ, आज हम चूल्हा जलाए हैं, चूल्हे पर हम पराठों को बनाकर तैयार करेंगे। देखिए हम इतना बड़ा बड़ा लोई बना लिए हैं, इसको आटा लाकर हम चौकी बेलना से बेल लेंगे। चलिए हम आपको बेलते दिखाते हैं। देखिए हम इसको ऐसे देखिए हम बेलकर तैयार कर लिए हैं। अब तवे की तरफ चलते हैं, तवा हमारा धिक चुका है। देखिए हमारा तवा धिक चुका है, इसमें हम पराठे को ले रहे हैं। ये पराठा हो चुका हो साइड, हम पलट लेते हैं, हम इस पर भी रिफाइन लगाएंगे। देखिए हम गिलास भी अच्छे से लगा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पराठा हमारा हो चुका है, हम दोनों साइड पलट के उसमें हम रिफाइन लगा दिए हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी सपोर्ट करें तो फुल वाच करके करें। अगर किसी को खुशियाँ देंगे आप लोग तो उसको आपको भगवान दुगुना रिटर्न करेंगे। ताकि कितने भाई बहने सब्सक्राइब करते हैं पर अनसब्सक्राइब हो जाता है सिर्फ फुल वाच के न रहने के कारण से। तो इसी तरह दोस्तों हम सब पराठे बना लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको।
देखिए दोस्तों हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है, बना लिए हैं सब। अब ये देखिए अलग तरीके से है ना थोड़ा, इसी तरह आप लोग भी बनाएं और अपनों को खिलाएं और खाएं। और देखिए हरा टमाटर की चटनी है और ये लाल टमाटर की चटनी है, ताज़ी पीसी हुई है सिलबट्टे से। अब इसको हम हमारी फैमिली गर्मा गर्म सर्व करेगी, आप ही लोग बनाइएगा, आज नहीं तो कल ही बना लीजिएगा, क्योंकि दोनों टाइम का काम है। बहुत ही अच्छा खाने में लगता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।